नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश के 12 जिले ग्रीन जोन में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में लाइव टीवी पर हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते हरियाणा अन्य प्रांतों की तुलना में ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है और हरियाणा को इस महामारी पर रोक लगाने के लिए सफलता भी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में 12 जिले ऐसे हो गए हैं जिनमें एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है और इसी के चलते वो ग्रीन जोन में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संक्रमण को प्रभावित लोगों की रिकवरी रेट 68% हो गया है, जिसके चलते हरियाणा रिकवरी रेट पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि APL श्रेणी में सूची के तहत आने वाले 1,40,000 लोगों को राशन देने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है और कल से उन्हें डिट्रेसिंग कूपन भी जारी कर दिया जाएगा। अब देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। अब मैं कुछ जानकारियां आपको और इस संदर्भ में इस समय की देना चाहता हूं। कोरोना के संबंध में जैसे हमको पता है कि हरियाणा अन्य प्रांतों की तुलना में काफ़ी ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम इसको रोक पाने में सफल हो रहे हैं। वर्तमान में 12 जिले ऐसे हो गए हैं, आज एक भी पॉजिटिव केस उन जिलों में नहीं है, अर्थात वो ग्रीन जोन में आ गए हैं। इसी प्रकार पिछले 18 दिन से, यानी एक प्रकार का जो डबलिंग रेट है देश भर में, तो 7 दिन डबलिंग रेट है। हर 7 दिन बाद पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल हो जाती है। हरियाणा में 18 दिन के बाद ये डबल हो रहे हैं केस, अर्थात हमारी आगे कोरोना के जो पीड़ित केसेस की संख्या बढ़ने में हमें बहुत सुविधा हो रही है कि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमारा जो ग्राफ है वो एक, जिसको कहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल आ गया है। हमारा रिकवरी रेट, जो भी लोग पॉजिटिव आए उनका रिकवरी रेट भी आज 68% हो गया है, जो केवल एक प्रदेश केरल से हम पीछे हैं, अन्यथा दूसरा नंबर हरियाणा का है कि आज हम 68% रिकवरी के ऊपर आ गए हैं। इसी प्रकार एक वर्ग ऐसा है जिसको सब सुविधाएं देने के बावजूद भी हम उनको सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ही हमने विचार किया है कि जो हरे रंग के कार्ड जिन लोगों के पास हैं, अर्थात APL, ऐसे बहुत से लोग हैं APL कार्ड होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रेस श्रेणी में देखे गए, उनको भी खाद्यान्न की आवश्यकता थी। जो लोग वास्तव में गरीब थे, किन्हीं कारणों से उनका BPL कार्ड नहीं बन पाया था, ऐसे लोगों को शायद अभी तक सहायता सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमने विचार किया कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कम से कम 3 महीने के लिए, 30 जून तक उनको राशन की दुकान पर मुफ्त राशन देने की बात जो भी एक सूची के आधार पर नीचे से रिकमेंड होकर के आई है, ऐसी 1,40,000 लोगों को सीधा राशन देने का भी आज हमने ये पोर्टल खोल दिया है और कल से उनको डिस्ट्रेस्ड कूपन ये जारी होने शुरू हो जाएंगे। जहां तक ग्रीन एरिया जो 12 जिले मैंने बताए हैं, उनमें औद्योगिक संस्थान और वाणिज्यिक संस्थान इनके खुलने की बात है, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खुलने की बात है, मोहल्लों में दुकानें खुलने की बात है, कल से उन लोगों को दुकानें खुलने की सुविधा ये हो जाएगी, ताकि जो लोग अप्लाई करेंगे उनको तुरंत उसी समय उसका ऑनलाइन परमिशन देने का प्रावधान हमने किया है, ताकि ऐसे स्थानों पर भी वाणिज्यिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान और मोहल्लों की दुकानें, ये सब खुलने के लिए रास्ता साफ हो गया है। जैसा हमने बताया कि सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, ये भी ठीक है, संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है, लेकिन कभी कभी कहा जाता है चुनौती जो भी चैलेंज होता है कभी कभी अवसर भी लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है, तो हम लोगों ने उसका लाभ उठाते हुए एक बड़ा कार्यक्रम और भी चलाया है कि प्रशासनिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, जो वॉलंटियर्स यानी सेवा भाव रखने वाले लोग, इन सबको मिला करके हमने नीचे अंतिम कड़ी तक एक सिस्टम बनाया है लोकल कमेटीज का, और वो लोकल कमेटीज पूरे प्रदेश में ये लगभग 20,000 की संख्या ये बनाई जा रही है, और जहां हमने ऐप के माध्यम से सब जानकारी आपसे लेने की कोशिश की है, वहीं हमारी जो स्थानीय ये जो कमेटीज हैं, लोकल कमेटीज, वहाँ 5 से लेकर 11 तक लोग होंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी होंगे, सामाजिक संस्थाओं के लोग भी होंगे, उसमें वॉलंटियर्स भी होंगे, उसमें सोशल वर्कर्स भी होंगे, राजनीतिक संस्थाओं के लोग भी होंगे, धार्मिक संस्थाओं के लोग भी अपने आप को शामिल करा सकते हैं। ये सब शामिल कराने के लिए वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना नाम जुड़ा सकते हैं, ताकि हम अपनी लोकल कमेटी में जाकर लोगों की सेवा कर सकें। वास्तव में जो गरीब है उसकी सहायता करना ये हमारा काम है। हाँ, यदि आप भी किसी की सहायता करना चाहते हैं,
अथवा सरकार के माध्यम से कोरोना रिफंड में भी आप योगदान करना चाहते हैं, वो भी आप इस ऐप के माध्यम से अथवा लोकल कमेटी के माध्यम से जानकारियां दे सकते हैं। आज एक ऐसा अवसर आया है जब हम आज़ादी के बाद एक ऐसे समय पर आकर खड़े हुए हैं कि समाज के सोचने की धारा, इसको हम बदलने जा रहे हैं, समाज खुद बदलने जा रहा है, सामाजिक संस्थाएं इसमें जोरों से लगी हैं, तो आज सोच का प्रकार बदलेगा कि अब इस संकट में पूरे परिवार की सहायता हम सब लोग करेंगे, हम एक परिवार हैं और परिवार के नाते मानवता की सेवा करना हमारा धर्म है, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से जल्दी हमको छुटकारा मिलेगा, कोरोना हारेगा और निश्चित रूप से हरियाणा से कोरोना हारेगा, भारत से भागेगा, यही बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ। आज इस अवसर पर पुनः मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग एकजुट होकर के इस काम में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।